मेरे मीडिया के सभी मित्रों, 125 करोड़ की आबादी वाला अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राष्ट्रपति पद इस लोकतंत्र का सबसे गरिमामय पद होता है। भूतकाल में इस पद को सुशोभित करने वालों में प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, डॉक्टर कलाम जी जैसे अनेक महानुभाव रहे हैं। इस महान परंपरा से देश और विदेश पूरी तरह से परिचित हैं। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है और इस की सब सर्वोपरिता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी हम सबकी प्राथमिकता होती है। मैं जब से गवर्नर बना तब से मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। मेरा हमेशा प्रयास होगा और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। देश को सर्वांगीण विकास, नौजवानों की आशा और आकांक्षा, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिले और मित्रों, कुछ ही वर्षों बाद हम आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऐसे समय में भारत का निरंतर विकास होता रहे और उसके निर्माण का सपना पूरा हो, इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूंगा। आज मैंने राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति पद के सभी मतदाता मंडल के सदस्यों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।